हेलो गाइस, वेलकम टू डेगिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस आज है 29th ऑफ अप्रैल, पहला फ्लैश सेल था यहाँ पर रियलमी 3 प्रो का। मेरे साथ में यहाँ पर क्या हुआ, मेरे क्या एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पर पहले फ्लैश सेल को लेके रियलमी 3 प्रो के साथ में, क्या कुछ अच्छी चीज़ें लगी, क्या कुछ बुरी चीज़ें लगी, आज की इस वीडियो में मैं सारे एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सी बात पे करते हैं एक वीडियो को लाइक, ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप के यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और मुझे पता है यार आप में से भी बहुत सारे लोग पहले फ्लैश सेल का वेट कर रहे थे, क्योंकि रियलमी 3 प्रो यार काफी बढ़िया डिवाइस है और काफी अच्छे ऑफर्स के साथ में देखने को मिल रहा था। मुझे लगा था कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर लगता शाओमी जैसा फ्लैश सेल रहेगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको बता दूं सेल काफी बढ़िया लगा, एक थम्स अप जाता है रियलमी के लिए। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, मैं 1157 के आसपास यहाँ पर चले गया था और 1159 पे यहाँ पर मैंने ये फोन को बुक कर लिया आराम से, कोई टेंशन की जरूरत नहीं थी, नहीं बैक हुआ नहीं एक्सीट हुआ, आराम से मैंने चेकआउट कर लिया। HDFC पे भी 1000 रुपीज का ऑफ बहुत सारे लोगों को मिला। और एक चीज मुझे जो सबसे बढ़िया लगी कि भाई कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल था, तो HDFC के कार्ड का मेरा तो जुगाड़ नहीं हो पाया, आपका हुआ या नहीं हुआ मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो मैंने यहाँ पर जो COD अवेलेबल मेरे पिन कोड पे था, तो लकीली मुझे यहाँ पर COD पे मैंने परचेस कर लिया। आपको COD मिला या नहीं मिला वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। तो COD भी था और यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी काफी बढ़िया थी। और मैंने लास्ट टू लास्ट यहाँ पर चेक करा था तो लगभग 12:07 तक के पूरे जो स्टॉक थे वो अवेलेबल थे। हाँ, ब्लू जो नाइट्रो ब्लू कलर था जो कि मैंने खुद पर्सनली परचेस करा, वो 3 से 4 मिनट में खत्म हो गया था। बाकी के जो सारे वेरिएंट्स थे वो यहाँ पर आपको लगभग 7 मिनट के आसपास देखने को मिल रहता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। 7 मिनट बहुत ही बड़ा टाइम रहता है एक फ्लैश सेल के लिए यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे Xiaomi के फ्लैश सेल 2-3 सेकंड में खत्म हो जाते हैं, तो 6 से 7 मिनट बहुत ही कमाल की बात है। तो एक रियलमी के लिए यहाँ पर थम्स अप जाता है कि इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पर फ्लैश सेल को मैनेज करे। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर जो फोन की डिमांड थी वो काफी कम थी, तो यहाँ पर जो इनके CEO माधव सेठ, रिसेंटली मैंने ट्विटर पे अभी चेकआउट करा था, तो उन्होंने बताया कि 8 मिनट के अंदर 1,70,000 यूनिट यहाँ पर Realme 3 Pro के सोल्ड कर दिए। बहुत ही बढ़िया बात है यार, मतलब बहुत ही बड़ी बात बोल मैं आपको बता दूं, 1,70,000 कोई खाने की बात नहीं है भाई, बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। और इतने डिवाइस यार इतने मिनट्स के लिए अच्छे टाइम के लिए हमें आसानी से मिल गए, जो कि काफी अगेन बढ़िया बात है। और एक चीज में यहाँ पर ये सेल की बेकार लगी कि भाई यहाँ पर जो आपका जो लाइटिंग पर्पल कलर था, जो कि पर्सनली मुझे सबसे बेटर लगता है, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था। तो रियलमी को यार ये कलर को यहाँ पर अवेलेबल करना था, लेकिन ब्लू कलर और ग्रे कलर था वो जो कि काफी आसानी से आपको देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल यहाँ पर रियलमी का जो सेल है मुझे काफी बढ़िया लगा। बाकी Xiaomi से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई Xiaomi वालों ऐसा सेल अगर आप लाओगे तो आपके जो नंबर है ना Redmi Note 7 Pro हो या कोई भी डिवाइस हो उसके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और कस्टमर भी यहाँ पर हैप्पी रहेगा, जैसे कि रियलमी के कस्टमर हैप्पी है। और एक और चीज मुझे ये लगती है कि रियलमी का कभी भी अगर आप देखोगे ना 12 बजे सेल था तब 12 बजे तक यहाँ पर इतने स्टॉक खत्म कर दिए, अब 4 बजे वापस से सेल है, तो अगर आपने 12 बजे वाले सेल में परचेज नहीं करे हो तो जाके 4 बजे वाले यहाँ पर चेकआउट कर देना, वहां पर भी आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। फिर मुझे जहां तक के लगता है 8 बजे वाला सेल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो रियलमी स्टॉक अच्छे ला रहा है, प्रोडक्ट अच्छे ला रहा है, सेल भी अच्छी तरीके से कर रहा है, पूरे सारी चीज हमें ओवरऑल यहाँ पर जो कस्टमर को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे अदर ब्रांड्स को भी मैं चाहूंगा कि ऐसा करो तो डेफिनेटली आपकी भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर जो मेरा पहला यहाँ पर एक्सपीरियंस था Realme 3 Pro के फ्लैश सेल को लेके काफी जबरदस्त था, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपने Realme 3 Pro परचेस करे हो या नहीं करे हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा मिला, मतलब कैश ऑन डिलीवरी परचेस करो, HDFC से परचेस करो, जैसे भी करो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मैं जैसा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।